बड़ा भाई छोटा भाई कहते हैं, तो छोटे भाई ना जाता है बड़ा के पास, लेकिन बड़ा जब जाने लगे तो समझो कि मामला गड़बड़ है। और जाने का कारण यह है कि कम्युनिस्ट पार्टी की जो रैली थी गांधी मैदान में, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी कांग्रेस को बड़ी धीरान धराया, माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह भी कहा कि गठबंधन पर विचार लोकसभा चुनाव के बाद होगा, यानी उन्होंने संकेत दिया कि हमारा विकल्प खुलल है। तो अब उन्हें से तकादा शुरू है कांग्रेस के दरबार से लालू जी को कि भाई आप ही गारंटर हैं, तो देखिए क्या बोल रहे हैं कि लालू जी उसी संदर्भ में गए होंगे कि एक तो सरकार को गिरने का डर, दूसरी ओर महागठबंधन पर माननीय मुख्यमंत्री जी का आया हुआ बयान, तीसरी ओर अमित शाह का जो दौरा है अब उस पर भी नजर है उधर की, कब किधर क्या हो जाए। यहाँ गांव गवई में जाकर के पूछिए ना राजद के कार्यकर्ताओं से, कुछ तो कहेगा अभी रुको ना, देखो अभी की होइ छे, बड़ा गड़बड़ हो रहा है। कोई बोल रहा है सर्वे चलाइए तो किसी यादव गांव में कि कै % यादव जनता दल को वोट देने के लिए तैयार है, बिहार के गाँव आप चुनी नहीं दूसरे समाज के लोगों को छोड़ दीजिए। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका लाइव बिहार में, मैं आपके साथ रूपम। देखिए कल देर शाम को लालू प्रसाद यादव और उनके बेटे बेटे यानी कि तेजस्वी यादव दोनों कल नीतीश कुमार के आवास पहुंचते हैं। आखिर बात क्या है कि नीतीश कुमार के आवास वो पहुंचते हैं और करीबन एक घंटे तक उन दोनों में बात हो रही है। हम आपको बता दें कि रविवार को यानी कि 5 तारीख को अमित शाह यहाँ आने वाले हैं, तो क्या ये भी कयास लगाया जा रहा है कि क्या डर गए हैं अमित शाह की इस रैली से, आखिर बात क्या है। कई लोग अपने अपने तरफ से वक्तव्य भी रख रहे हैं और इसी बाबत आज हम बात करने के लिए उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में आए हैं और धर्मेंद्र सिंह यहाँ के जो कि किसान प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष हैं, इन्हीं से हम बात करते हैं कि नीतीश कुमार से मुलाकात करने के लिए लालू प्रसाद यादव जाते हैं। बहुत कम ही ऐसे देखने को मिला है कि लालू जी वहां पर जा रहे हैं, हालांकि हमेशा नीतीश कुमार ही यहाँ आते थे। आखिर क्या हो गया कि लालू जी को वहाँ बाप बेटे को दोनों को जाना पड़ गया। सबसे पहले आपके चैनल के सभी दर्शकों को दीपावली की शुभकामना, अग्रिम शुभकामनाएं। दरअसल लालू जी अकेले नहीं गए थे, समदर के गए थे, दोनों बापते गए थे। और जाने का कारण यह है कि कम्युनिस्ट पार्टी की जो रैली थी गांधी मैदान में, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी कांग्रेस को बड़ी धीरान धराया, कहे कि आपको रुचि नहीं है महागठबंधन बनाने में, यानी हमको प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनाने में। तो इसी को तो मुख्यमंत्री जी तो बहुत पढ़े लिखे इंजीनियर हैं, होशियारी से कोई बात बोलते हैं, इसी बात को बोले। अब वो कांग्रेस के लोग सब अलग कह रहा है कि भाई हम तो एक आदमी से भेंट करना नहीं चाहते थे। आपको स्मरण होगा कि जब कभी भी माननीय मुख्यमंत्री जी गए सोनिया जी या राहुल जी से मिलने के लिए, तो उन लोगों ने परहेज बरता था। बीच में गारंटर बने लालू जी और लालू जी के गारंटर पर ही गए। आप स्मरण करिए कि महागठबंधन का कोई भी बड़ा नेता से मुख्यमंत्री जी बिना तेजस्वी जी को लेकर के गए नहीं, क्योंकि कोई मिलना ही नहीं चाहता था। अभी जो न्यूज गया, खबर गई आग की तरफ फैली, तो महागठबंधन में बड़ी बेचैनी है कि जाए तो विकेट गिर गया गाड़िए बनने के पहले। चूंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी कहा कि गठबंधन पर विचार लोकसभा चुनाव के बाद होगा, यानी उन्होंने संकेत दिया कि हमारा विकल्प खुलल है, इन्ने चाहे उन्ने, फिर इन्ने, फिर उन्ने, 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 इन्ने, उन्ने, जो बिहार की छवि बन गई है। हाँ, तो एक राष्ट्रपति जब बुलाए, कई ऐसे कारण है संकेत जो आ रहे हैं। तो अब उन्ने से तकादा शुरू है कांग्रेस के दरबार से लालू जी को कि भाई आप ही गारंटर हैं, तो देखिए क्या बोल रहे हैं। और कांग्रेस की चिंता अभी जो 5 राज्यों में चुनाव है उसको है, कांग्रेस भाजपा आमने सामने है वहाँ। अब उस प्रदेश में भी खिलाफ उतार दिए हैं जदयू से। हाँ, वो तो सब कोई जान ही रहा है कि वो गठबंधन तो अब रहा नहीं कहीं। अखिलेश जी अलग हो गए, नीतीश बाबू अलग हो गए, सब कोई जो जहाँ कुछ यहाँ गिरे कुछ वहाँ गिरे। अब सर्वाधियों का एक गठबंधन था, कोई मुद्दा नहीं था। लेकिन मुख्य रूप से मुझे जो लगता है कि लालू जी उसी संदर्भ में गए होंगे कि एक तो सरकार को गिरने का डर, दूसरी ओर महागठबंधन पर माननीय मुख्यमंत्री जी का आया हुआ बयान, तीसरी ओर अमित शाह का जो दौरा है अब उस पर भी नजर है उधर की, कब किधर क्या हो जाए यहाँ। मतलब डर रहे हैं लालू जी कि भाई ऐसा ना हो कि नीतीश कुमार फिर उन्हें बात है, इतना बड़ा पार्टी के सच्चाई है ना भाई कि बिहार में जनता दल से बड़ा जनाधार राष्ट्रीय जनता दल का है, उसका नेता इनके पास जा रहा है।
और दोनों बापते गए, ये तो मामला गंभीर है, ये तो संकेत दे रहा है कि कहीं ना कहीं खिचड़ी कुछ पक रही। पहले नीतीश कुमार वहां जाते थे? बिल्कुल, वो बड़ा भाई छोटा भाई कहते हैं तो छोटे भाई ना जाता है बड़ा के पास, लेकिन बड़ा जब जाने लगे तो समझो कि मामला गड़बड़ है, कुछ होगा, कुछ होगा। तो क्या अमित शाह आने वाले हैं, फिर खेला होगा? हाँ। क्या नीतीश कुमार उधर चले जाएंगे? तो हम लोगों को इंतजार होगा कि अमित शाह जी क्या बोलते हैं मुजफ्फरपुर में, उसका माने मतलब लगाएगा। एक एक वोटर, पत्रकार, बिहार की जनता, आवाम, राजद सबकी नजर है, बाकी किसी की नजर हो या नहीं हो, नजर दूसरे लोगों की है। एनडीए के कार्यकर्ताओं में तो एक उत्साह है ही कि एनडीए के बड़े स्तंभ आ रहे हैं, लेकिन उधर जो महागठबंधन है उसमें भी अकक की धकधक की सब शुरू है कि भाई क्या होगा, इसको लेकर के तो चिंता बढ़ा हुआ है, चिंता का पारा बढ़ा हुआ है 5 तारीख तक बिहार के धरती पर। यानी कि 5 तारीख के बाद बहुत कुछ बदलने वाला है। कोई आश्चर्य की बात नहीं है, एन से उन्ने फिर हो जाए। अगर उन्ने जा रहे होंगे तो कुछ बड़ा ऑफर मिल रहा होगा नीतीश कुमार को, तभी तो। अब क्या है तो वही लोग बताएंगे, लेकिन कुछ भी हो सकता है, इसको इनकार नहीं किया जा सकता। मतलब आपका कहने का मतलब है कि लालू यादव हो या तेजस्वी यादव, ये दोनों की नींद हराम हो चुकी है। पूरा पार्टी, पूरा कार्यकर्ता, गांव गवई में जाकर के पूछिए ना राजद के कार्यकर्ताओं से, कुछ हो तो कहेगा अभी रुको ना, देखो अभी की हो छे, बड़ा गड़बड़ हो रहा है, कोई बोल रहा है, सब स्तब्ध। इतना अनिश्चितता के दौर में बिहार कभी नहीं रहा जो वर्तमान परिवेश में, और ये बड़ी दुख की बात है। वोट बैंक है, यादव का जो वोट बैंक है, जो पहले आप सोच रहे थे कि भाई दोनों भाई तो एक हो गए, तब हम लोग एक दूसरे को वोट देंगे, अभी दोनों भाई अलग। हम आपसे निवेदन करेंगे आपके चैनल को कि आप सर्वे चलाइए तो किसी यादव गांव में कि कई % यादव जनता दल को वोट देने के लिए तैयार है। बिहार के गांव आप चुनिए, नहीं दूसरे समाज के लोगों को छोड़ दीजिए, यादव के बीच में जाइए, और जो शुद्ध मतदाता है जिसका राजनीति से कोई मतलब नहीं है, आप उससे पूछिए तो जनता दल को वोट देने के लिए तैयार है, जाके पूछिए। और अगर टोनी कास्ट की बात करें तो क्या वो तेजस्वी को वोट देने के लिए तैयार है? वो तो समय बता देगा, लेकिन बिहार का कुर्मी समाज भी उपेंद्र कुशवाहा को नेता और बिहार का भविष्य समझ रहा है। चलिए, तो साफ तौर पे देखा जा रहा है कि भाई अब रातों की नींद हराम हो चुकी है आरजेडी के कार्यकर्ताओं के, क्योंकि उनके नेता ही अभी सुकून से नहीं है, चैन की सांस नहीं ले रहे हैं, और शायद यही वजह है कि बड़े भाई अपने पुत्र के साथ पहुंच जाते हैं नीतीश कुमार के आवास, और करीबन 1 घंटे तक उन दोनों में बातें होती हैं। आखिर क्या कुछ बातें होती है, क्या नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच में सब कुछ सही नहीं है, और यही वजह है कि क्या सुलह करवाने के लिए वहाँ लालू प्रसाद यादव वहाँ पर गए। और यह भी जो खबरें पहले से ही है कि भाई लालू प्रसाद यादव ही एक वो चेहरा है जो पूरा गठबंधन को, ये जो इंडिया जो अलायंस जो बनी है उसको एक पटल पर लाने की जो कोशिश है लालू प्रसाद यादव की ही थी। और क्या वजह है कि नीतीश कुमार के पास इन लोगों का जाना हुआ, रविवार को अमित शाह बिहार भी पहुंचने वाले हैं, और जिस तरह से उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी दम भर रही है कि 5 तारीख का इंतजार कीजिए, रविवार के वो दिन जो है वहाँ इंतजार कीजिए, क्योंकि उसके बाद बहुत कुछ बदलाव आने वाला है, एक बड़ा सा परिवर्तन होने वाला है। चलिए, अभी के लिए इतना ही, बने रहे आप लाइव बिहार के साथ, धन्यवाद। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।